सो गाइस आज हम लेटर टू दी एडिटर देखने जा रहे हैं। तो एडिटर इस केस में हम लोग ना न्यूज़पेपर को लेटर सेंड करते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ले लो, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, तो देखते हैं कहाँ पे उसके नाम हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। ओके तो पहले फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में ना सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा, सेंडर्स एड्रेस अपना एड्रेस लिखना है, हम जो लेटर लिख रहा है उसको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। फिर जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन का डेट, एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, अपना रिसीवर कौन है, ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर का एडिटर। तो न्यूज़पेपर कौन से न्यूज़पेपर को आप सेंड कर रहे हो, आप जिस भी न्यूज़पेपर का नाम जानते हो उस न्यूज़पेपर का नाम आप लिख दो, ठीक है, जिस न्यूज़पेपर में आपको अपना लेटर डालना है देना है उधर पे। ओके फिर सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा तो आप उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपना लिख लेना, अभी हम आगे देखेंगे। फिर सैल्यूटेशन, गाइस सैल्यूटेशन ना लाइक हम लिखते हैं ना मिस्टर मिसेस डियर सर मैडम, ये सब सैल्यूटेशन कहलाता है। ओके बॉडी, बॉडी को बॉडी तो हमें पता ही है, जो बीच का जो अपना मेन पॉइंट होता है वो हम बॉडी में ही ना एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो बॉडी को हम आगे देखेंगे, तीन पार्ट्स में हम डिवाइड किए हुए हैं इसको। लास्ट में है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मीन्स लाइक फेथफुली सिंसियरली ट्रूली, ये सब क्या है, ये सब सब्सक्रिप्शन हैं, उसके नीचे हम अपना नेम लिखते हैं। सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ओके तो चलिए हम देखते हैं बॉडी। तो गाइस बॉडी में ना तो आप इस चीज़ को तो एकदम रट्टा मान लो, क्योंकि इससे ना जो चेक कर रहा है आपका लेटर उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये वाला लाइन सीरियसली बहुत अच्छा है। सी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ अबाउट, जो भी आपका टॉपिक है वो लिख दो आप, ठीक है। फिर अथॉरिटीज़, किसकी अथॉरिटी है वो हम आगे देखेंगे, नो प्रॉब्लम। सी इंट्रोडक्शन, फिर पहला पैरा आपने डाल दिया, ये पहला पैरा में ये अकेले एक पैरा बना देगा ये वाला पॉइंट। फिर दूसरे पैरा में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है। सी एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, या फिर आप अपने तरीके से कुछ ऐड कर दो पॉइंट्स, या उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या आपको लगता है उस क्या करना चाहिए, वो सब आप इसमें लास्ट में आप यही करते हो ना, आप अपनी पॉइंट अपने तरीके से कुछ ऐड करते हो। सो सैम्पल देखते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से पॉइंट। सी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, सिंस हमें दे रखा है एडिटर तो हमें पता लग गया कि हमें न्यूज़पेपर के लिए लिखना है। ऑफ एन इंग्लिश डेली अपीलिंग फॉर हेल्प फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, दिस इज आवर सब्जेक्ट, हेल्प फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, एंड हमें हमारा नाम दे रखा है, व्हाट इज रोहित एंड रीना, जो भी आपको लेना है चूज कर लो। सी सो ये है अपना लेटर, हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, हमारा एड्रेस हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है तो हम यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर भी हम दिल्ली डालेंगे, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई वाले न्यूज़पेपर को थोड़ी ना अपना लेटर देंगे, हम दिल्ली वाले न्यूज़पेपर को ही देंगे अपना लेटर। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ सी अब उस दिन का डेट हमने डाल दिया। ओके नाउ ये है अपना रिसीवर्स एड्रेस। सी द एडिटर, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, ना भी लिखोगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। सो हिंदुस्तान टाइम्स चरहद दिल्ली, एंड सी दिस इज़ अ सब्जेक्ट, हेल्प फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, हम विक्टिम्स के हेल्प के लिए ये चीज़ मांग रहे हैं। तो ये है अपना सैल्यूटेशन, दिस इज सो ये अपना सैल्यूटेशन है। सॉरी आई मीन इसको थ्रू होना चाहिए था, थ्रू बस ये टू लिखा गया। टू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड इन जरहत दिल्ली, ठीक है। तो ये लाइन तो आपको याद कर लेनी चाहिए कि एडिटर लेटर टू एडिटर मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। सो ये लाइन याद रखोगे ना तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ओके सी ये अपना सेकंड पैरा, हमने यहाँ पे फ्लड के बारे में और अच्छे से बता दिया, डिटेल में बता दिया। एंड लास्ट ये अपना कंक्लूजन, क्या आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, जो एडिटर है उसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप मेरे इस लेटर को पब्लिश कीजिए ताकि लोग आए और वो इन होमलेस विक्टिम्स की हेल्प करें, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लेट हो। सो ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली, मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम एग्जाम्स में फेथफुली या सिंसियरली लिखते हैं। सो और उसमें भी ज़्यादातर हम सिंसियरली लिखते हैं, तो यहाँ फेथफुली लिखेंगे। रीना
अपना आपका नाम यहाँ पे रीना दे रखा है ना, तो ये रहा आपका नाम। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि लेटर टू द एडिटर में हमें करना क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।